भिवंडी के पद्मानगर में तेज गति टेम्पो ने 3 लोगों को उड़ाया, 1 महिला की हुई मौत। बुलढाणा में एक ही परिवार के 5 लोगों के शव कुएं से हुए बरामद। पुरातन मूर्तियों समेत 3 लोग हुए गिरफ्तार। लोकमान्य तिलक टर्मिनस सेंटर के टिकट काउंटर सेल से चोरी हुए 44 लाख रुपए। NMMT के बस चालक पर किया गया हमला। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर की HR तेज खबरों में आपका स्वागत है। आज की हमारी पहली HR तेज खबर भिवंडी से है। भिवंडी के पद्मानगर इलाके में गणेश सिनेमा थिएटर के पास एक तेज गति से आते टेम्पो ने 3 लोगों को उड़ा दिया, जिसमें 1 महिला की मौत हो गई। जगह पर ही इस महिला की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हुए हैं। इस महिला का नाम सुरेखा लक्ष्मण अड़गाटना, उम्र 58 वर्ष है। अन्य 2 घायल हुए लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखिए कैसी हुई यह दुर्घटना। हमारी दूसरी खबर महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले से है। बुलढाणा जिले के मेहकर तालुका में मालेगांव परिसर में एक कुएं से एक ही घर के एक ही परिवार के 5 लोगों की लाशें बरामद हुई है। माँ उज्ज्वला ढोके, उम्र 35 वर्ष, उनकी 4 बेटियां वैष्णवी ढोके 9 वर्ष, दुर्गा ढोके 7 वर्ष, आरुषि ढोके 4 वर्ष, पल्लवी ढोके 1 वर्ष, ऐसे इन तमाम 5 लोगों के नाम है। इन 5ों ने कुएं में कूद करके आत्महत्या की है या हत्या की गई है, इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। सुबह सवेरे गांव के लोगों ने किसानों ने कुएं में इन 5ों की लाशें देखी, पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर आकर के इनके शव बाहर निकाले और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस का कहना है कि इनकी मौत का निश्चित कारण पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा और उसके बाद ही जांच की दिशा तय होगी। हमारी तीसरी खबर रायगढ़ से है। थाने पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट 1 के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक नितिन ठाकरे और उनकी टीम और रायगढ़ के सागरी मांडवी पुलिस स्टेशन, इन दोनों ने संयुक्त रूप से एक कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनकी इनोवा गाड़ी के डिकी में छुपाई गई पुरातन मूर्तियों को, प्राचीन मूर्तियों को जो है पुलिस ने बरामद किया है। इनमें से 12 मुखी भगवान की एक मूर्ति है जिसका वजन 8 किलो 700 ग्राम है और लक्ष्मी की मूर्ति है दूसरी जिसका वजन 6 किलो 827 ग्राम है। इस पूरे मामले में थाने पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट 1 ने मांडवा सागरी पुलिस स्टेशन को ये पूरा मामला सुपुर्द कर दिया है। इनोवा गाड़ी समेत 3 लोग उनके हवाले किए गए हैं। वहीं ये दोनों प्राचीन मूर्तियाँ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी पुरातत्व विभाग को सौंपी गई है। वहां से रिपोर्ट आने के बाद मांडवा सागरी पुलिस स्टेशन आगे की कार्रवाई करेगी। हमारी चौथी खबर मुंबई से है। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस के टिकट काउंटर सेल पर से पूरा जो सेंटर है वहां से बीते सोमवार रात 12 बजे के बाद 44 लाख रुपए की रकम चोरी होने का मामला सामने आया है। कुर्ला पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। कुर्ला पुलिस के अनुसार टर्मिनस पर पनाह लेने वाले हर तरह के लोगों की इसमें जाँच की जाएगी। साथ ही रेलवे विभाग के जितने अधिकारी कर्मचारी स्टेशन पर कार्यरत रहने वाले उनकी भी जांच की जाएगी, क्योंकि यह टिकट काउंटर सेंटर जो है वहां से चोरी हुई है और बड़ी रकम की चोरी हुई है। हमारी 5वीं खबर नवी मुंबई से है। नवी मुंबई परिवहन व्यवस्था यानी NMMT की जो बस है उसके एक वाहक कंडक्टर को कोपरखाना के गार्डन होटल के पास एक यात्री ने पैसे के लेन देन की बात पर से हुए विवाद के चलते मारपीट की है। मारपीट भयानक की गई है। वाहक जो है बुरी तरह घायल हुआ है और ये यात्री तन्मय कौठेकर इसका नाम है। इसके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कर इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। किस तरह से ये कंडक्टर घायल हुआ है उसकी तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। ये थी आज की हमारी HR तेज खबरें। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली HR तेज खबरों के साथ। हिंदुस्तानी रिपोर्टर के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए।